ओके हेलो सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में सो दिस सेशन ऑल अबाउट देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड इज सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनकेडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सब्लेट से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं राइट फ्रॉम योर लर्निंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेज डाउट सॉल्विंग सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है सो एन अकेडमी इज बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का जरूर फायदा उठाएं और आपका जो करियर है आपका जो सेट करियर है उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली uh, जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल है आप चाहे जेई करो आप शायद यू करो आप शायद एम करो आप नीट करो कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनकेडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है सो so आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए अकेडमिक रिलेटेड आप अनकेडमी का फायदा जरूर उठाएं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें ताकि आपका जो पढ़ाई है आपका जो करियर है वो सेट हो सके ठीक है चलिए नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ़ द डे एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो ओके सो मेरा नाम अजिंक्य सोड़ुंग है माय नेम इज अजिंक्य सोड़ुके एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं ठीक है लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट जस्ट रिमेम्बर माई नेम दैट इज माई नेम इज अजिंक्य एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक ठीक है चलिए है ना इट माइट हैपन कि एग्जाम में आपको कंपलसरी किया जा रहा है कि आप बिना फॉर्मूले के इसको सॉल्व करें ये तो फॉर्मूले का हो गया सिर्फ रे डायग्राम से सॉल्व करो ऐसा कंपल्शन वो कर सकते हैं तुमको दे माइट है कंपल्शन ऑन यू लेट से आप बता दो कि बिना फॉर्मूले यूज करें आंसर क्या है इसके

पोजीशन कहाँ मिलेगी इमेज इमेज कहाँ बनेगी आपको आपको तो पता है ना इमेज कहाँ बनती है कहाँ बनती है बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू ऑब्वियसली हम लोग डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं क्या एफ टू का डिस्टेंस कितना है ये फोकल लेंथ है ना ओके तो फोकल लेंथ ये दस होगा ना कितना ये दस होगा ओके और टू कितना होगा दस और मतलब बीस ओके ठीक है तो मतलब पोजिशन को हम लोग लिख सकते हैं बिटवीन बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू एफ टू एंड टू एफ टू एंड एफ टू का साइज है तुम्हारे पास है ना एफ टू कितना है तुम्हारा दस ना एक okay, काम करो फिर इस, इसी स्टेटमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं बिटवीन बिटवीन टेन सेंटीमीटर एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है ये हो गया आपका पोजिशन 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 इज क्लियर पहला आंसर निकल गया आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते जैसे आपने एग्जैक्ट निकाला था ना वी की वैल्यू उतना एग्जैक्ट नहीं निकलेगा लेकिन दिस इज द एक्सेप्टेबल आंसर क्योंकि के लिए आपको करना पड़ेगा ना एग्जाम में अगर बोला कि मत करो, तो आपको इस तरह एक्सेप्टेबल निकला पड़े, निकला इसको मार्क मिलेंगे अब साइज की बात करते हैं uh, कैसी रहती है इस पोजिशन पे डिमिनिस्ट होती है वो तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं इसके ऊपर से क्या बोलते हैं टेबल के ऊपर से डायरेक्टली लिख दो द साइज इज डिमिनिस्ड स्मॉल साइज है ठीक है डिमिनिस्ड एंड वट अबाउट द नेचर ने बहुत ही सिंपल है okay. पहले मैं इसको ठीक से लिख देता हूं वहां पे काफी हो गया वो डिमिनिस्ड हा एंड नेचर आपको तो दिख रहा है यहां पर उल्टी इमेज है रियल इन्वर्टेड हो गया दैट्स ऑल योर आंसर तो एक बार बता दो आपको ये समझ में आ रहा है बिना फॉर्मूले के कैसे लिखना प्लीज रेज द हैंड इफ अंडरस्टैंडिंग पोजिशन साइज नेचर आपको कैसे लिखना है इफ द एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा आता है कि बिना फॉर्मूले के आपको सॉल्व करना है ओके सो अप्रोक्सीमेट आता है आंसर बट स्टिल इट इज एक्सेप्टेबल ठीक है एक्सेप्टेबल आंसर है

फॉर्म्स एन इमेज टेन सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एक इमेज बन रही है दस सेंटीमीटर पे लेंस अच्छा मुझे एक चीज बताओ कॉनकेव में इमेज बनती है वैसे कॉनकेव अगर आपका लेंस है मी जस्ट शो इट टू यू आपका ये लेंस है ना कॉनकेव इमेज कहाँ बनती है इधर के साइड पर बनती है ना आपका ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है इमेज भी वही पे बनती है इतु सी सामने इफ यू रिमेम्बर वर्चुअल इरेक्ट ओके तो ये इमेज डिस्टेंस दिए वाला ना दस तो मैं दस को पॉजिटिव लू कि निगेटिव लू ये आपका वी है दस सेंटीमीटर और ये कॉन्केव लेंस है तो इमेज आपकी हमेशा सामने ही बनती है ना ओके okay, तो पॉजिटिव लू कि नेगेटिव लू प्लस माइनस ये ऑब्जेक्ट ये इमेज ऑब्वियसली निगेटिव ऑब्वियसली निगेटिव निगेटिव ही लेना पड़ेगा इसको हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस ऑब्जेक्ट को आपने कहा रखा है ठीक है ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा है ऐसा पूछ रहे ठीक है निकाल सकते हैं हम लोग यू की वैल्यू फॉर्मूले में डालो ना मिल जाएगा आपको व्हाट से इश्यू फॉर्मूला यूज करो वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यून बाई यू इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय करो वैल्यूज दैट वुड बी माइनस वन बाय टेन माइनस फोकल लेंथ की वजह से प्लस हो जाएगा राइट माइनस वन बाय माइनस फिफ्टीन ये माइनस फिफ्टीन ये माइनस प्लस हो जाएगा तो दैट वुड बी माइनस वन बाय टेन प्लस वन बाई फिफ्टीन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दैट वुड बी वन फिफ्टी ऊपर से माइनस फिफ्टीन प्लस टेन ओके तो माइनस फिफ्टीन प्लस टेन कितना होता है माइनस फाइव ओके ठीक है तो दैट शुड बी माइनस फाइव वन फिफ्टी फाइव वन जर्टी सो यू इज इक्वल टू माइनस थर्टी क्या आपका आंसर माइनस में ही आना चाहिए था हाँ माइनस में आना चाहिए था ज देंड इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर वाइल कैलकुलेशन ओके यहां पर रे डायग्राम निकालने के लिए बोल रहे हैं रे डाय निकाल लोगे खाली क्या करना है रे तू निकालोगे ना तो ये फोकल लेंथ टेन वगैरह सब ठीक से बताना ठीक है ठीक से बताना बाकी की चीज है क्या करके बताऊ करके बता देता हूँ चलो रे डायग्राम ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस ये कॉनकेव लेंस ठीक है आ, आपका ऑब्जेक्ट बता दो एक बार ऑब्जेक्ट uh, कितने पे रखना है आपका थर्टी पे आया ना ओके फोकल लेंथ पहले बताओ मतलब यहाँ पर फोकल लेंथ है आपका फिफ्टीन ओके सो दिस इज योर फोकस एफ वन और इमेज uh, आपकी दस सेंटीमीटर पे बन रही है अगर यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर पंद्रह है तो दस मतलब इसके अंदर ही होगा ओके okay, मतलब इमेज आपकी यहीं पे कहीं तो बन रही है ओके सो दिस मस्ट बी वी दिस मस्ट बी वी टेन सेंटीमीटर राइट माइनस टेन सेंटीमीटर और ये कितना है आपका नीचे का पंद्रह सेंटीमीटर राइट दिस इज फिफ्टीन सेंटीमीटर ये माइनस टेन सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट कितने पे आया तीस पे ये फोकल लेंथ ऑलरेडी पंद्रह है ओके okay. डबल मतलब कहां पर आ जाएगा डबल मतलब टू एफ वन पे आ जाएगा टू एफ वन मतलब तीस है ओके okay. तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट हो गया दिस इज माई ऑब्जेक्ट दिस इज माई इमेज एंड ये मेरी रे डायग्राम तैयार हो गई अब यहां से वो प्रिंसिपल एक्सिस को ले लो या ऐसे। और एक ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है हो गया आपका इमेज तैयार ये आपका रे डायग्राम तो ये आपको समझ में आ रहा है क्या बोलो नीचे वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब वो रे डायग्राम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये नीचे वाला जो डेटा आपने लिखा है ना वी का यू का दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज रेज द हैंड इफ यूर अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट कैसे आपको लिखना है कुछ नहीं फोकल लेंथ लिखना है यू लिखना है का डिस्टेंस लिखना है है नॉट नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड ओके ठीक चलिए अभी पे जाते हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं यार हाउ मेनी क्वेश्चन आर देर इन टोटल एक बार बुक में देखो एक बार नंबर बताओ मुझे कितना है टोटल सेवनटीन okay, ओके ठीक है बारह पे हम लोग चलो हो जाएगा फिर शायद आज के दिन में एन ऑब्जेक्ट इज प्लेट डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर पोजिशन नेचर चलो भाई डेटा अभी मैं तुमको खाली लिख के देता हूँ मुझे सॉल्व करके दो फोकल कितना बोल रहे 15. ये convex है. Convex अगर है, तो मतलब, प्लस लेना पड़ेगा कि माइनस प्लस वैक्स है ना पॉजिटिव इज प्लेस्ड एट टेन मतलब यू दिया है दस सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है ना फ्रॉम द कॉन्वेक्स मीटर ओके सो दिस इज माइनस टेन फाइंड द पोजिशन इमेज बता दो पोजिशन नेचर क्या होगी अच्छा मुझे मुझे बताओ यार ये बिना सोल्व करे न्यूमेरिकल फॉर्मूले के हिसाब से फोकल लेंथ अगर पंद्रह है तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के पहले रखा गया अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ के पहले रखा गया है मतलब ये कौन सी कंडीशन है फोकल लेंथ पंद्रह है ना ओके okay, मतलब सपोलेट से ये काइंड ऑफ पोजिशन है आपकी फोकल लेंथ यहां पर फोकस है आपका ऑब्जेक्ट ये पंद्रह है ओके और ऑब्जेक्ट आपका रखा गया दस पे मतलब इधर मतलब ये कौन सी कंडीशन होगी लास्ट वाली कंडीशन हो गई क्या टेबल में की लास्ट कंडीशन मतलब द ऑब्जेक्ट इज के तो डायरेक्ट बता सकते हो मुझे पोजीशन एंड नेचर ओके सॉरी सो सॉरी मैंने देखा नहीं कॉन्वेक्स मिरर है सो सॉरी कॉन्वेक्स को लेते हैं कोई दिक्कत नहीं कॉन्वेक्स है फिर तो फिर तो और आसान है अगर कॉन्वेक्स है तो और आसान है फोकस आपका कितना बोल रहे हैं फिफ्टीन ओके ठीक है तो फिफ्टीन का आपका ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है दस पे ओके okay, ठीक है इमेज कैसी बनेगी नेचर क्या होगा कॉन्वेक्स में तो बहुत ही सिंपल है इट्स ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट राइट साइज कैसे रहती है साइज Always small, always small. Diminished image रहती है small image, diminished image. है. ठीक ये हमारा से बिना formula के हो गया? लेकिन चलो भाई फॉर्मूला क्या है ये मिरर है कि लेंस है ये मिरर है फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे by F is equal to by v, plus, plus रहता है मिरर में प्लस रहता है. U, U. करो v की value.

चेक कर लो तुम्हारा भी सेम आ रहा है v is equal to 6 okay, अभी वी इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर आने के बाद मेन uh, क्वेश्चन uh, ये तो पोजिशन होगी नेचर क्या है इमेज का नेचर ये देखो v अगर सिक्स है v अगर सिक्स है मतलब वो इधर इमेज है राइट हैंड साइड पे इमेज है वो ओके okay, v अगर आपका सिक्स है तो दैट मीनस इट इज ऑन पॉजिटिव साइड तो इस पे से क्या बोल सकते हैं हम लोग नेचर क्या है वर्चुअल इमेज है ना मिरर में पीछे मिर, इमेज बनती नहीं है सामने बनती है अगर पीछे इमेज बन रही है तो दैट मीन इट इज वर्चुअल वर्चुअल वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ही रहता है ओके सो वर्चुअल एंड साइज वही वर्चुअल के साथ कौन आता है इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ट वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ड काइंडली प्लीज चेक आपको नेचर समझ में आ रहा है क्या वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम द टेबल इट से फिगर पैसे बोल देना आपके ऊपर है फिगर या फिर प्रोड्यूस बायर इज प्लस मीन मैग्निफिकेशन अगर प्लस वन है तो इसका मतलब क्या है पहले वन का मीनिंग बताओ पहले वन का मीनिंग बताओ फिर बात करते हैं वट इज द मीनिंग ऑफ वन सेम साइज लार्ज साइज स्मॉल साइज वन का मतलब क्या है सेम साइज वन अगर आ रहा है वेरी मतलब right? okay, मतलब में से मैं किसको लूंगा वेरी में से मैं कुछ को लूंगा प्लस वाला साइड बोल रहे हैं प्लस वाला साइड ये रहता है ना ओके निगेटिव वाला साइड वो रहता है ओके सो इट दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट ठीक है तो प्लस वन का मिरर का मीनिंग लिख पाओगे फिर इट द मीनिंग ऑफ प्लस वन इज द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन एंड ऑब्जेक्ट फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिर ऑफ रेडियस थर्टी चलो बहुत कुछ दिया हुआ है हाइट कितनी दी है ऑब्जेक्ट की फाइव वो तो प्लस में होगी राइट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट केप्टी ऑब्जेक्ट इज केप्ट मतलब यू का वैल्यू दिया है ट्वेंटी ओके रेडियस ऑफ कर्वेचर थर्टी बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज थर्टी मेन क्वेश्चन पॉजिटिव लू कि नेगेटिव लू ये कॉन्वेक्स है ये कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा ओके ठीक है फोकल लेंथ बता सकते हो फिर इसके ऊपर से इसका आधा करना पड़ेगा ना ओके सो दैट टूट भी कितना पंद्रह सेंटीमीटर ओके ठीक है अभी पोजीशन बताओ पोजीशन, नेचर साइज चलो जल्दी से कैलकुलेट करो प्लीज uh, सबसे पहला हम लोग वी निकाल लेते हैं सो वन बाय इज इक्वल टू वन बाय वी ये मिरर है सो वन बाय वी प्लस वन बाई यू सो वन बाय वी इज इक्वल टू वन बाय एफ माइनस वन बाय वैल्यू पुट करो एफ uh, का वैल्यू इज वन बाय माइनस का वैल्यू कितना है ट्वेंटी तो वो आ जाएगा 1 20. चलो वन बाय वी इज इक्वल टू नीचे कितना आएगा? 15 20, और ऊपर आएगा ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन कितना होता है थर्टी फाइव ओके और फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी डिवाइड करो फाइव सेवन थर्टी फाइव फाइव थ्री फिफ्टीन तो वी इज इक्वल टू आ रहा है uh, 60 7. Okay, तो डिवाइड कर लो सेवन कितने सा सिक्सटी के आसपास कौन सा नंबर है सेवन सेवन जै फोर्टी नाइन सेवन एट फिफ्टी सिक्स ओके सेवन एट फिफ्टी सिक्स मतलब फोर बसते हैं पॉइंट फोर्टी दे दो सेवन फाइव जै थर्टी फाइव फाइव फिफ्टी सेवन सेवन जै फोर्टी नाइन ओके तो एट पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर काइंडली प्लीज चेक आपका भी सेम आ रहा है एट पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर प्लस में वो भी प्लस में आना चाहिए ओके okay, तो वी आ गया व्हाट अबाउट द नेचर नेचर कैसे इमेज का वी पे से बता सकते हो तो? तुम वी पे से बता सकते हो नेचर कैसा है ये मिरर है ये मिरर है और आपका वी पॉजिटिव आ रहा है ओके मिरर कौन सा है आपका कॉन्वेक्स है ओके मिरर इज कॉन्वेक्स आपने ऑब्जेक्ट सामने रखा वी इधर के साइड पे तैयार हो रहा है ऐसे मतलब इमेज आपका वर्चुअल है इरेक्ट है वर्चुअल है। सही है ओके okay. अभी साइज़ साइज़ बता सकते हो एम से निकाल लेंगे ठीक है तो एम इज इक्वल टू एच डैश इज़ इक्वल टू माइनस वी बायू चलो सॉल्व करते हैं सो एच डैश का वैल्यू बताओ एच डैश का वैल्यू तो निकालना है एच इज इक्वल टू माइनस वी वैल्यू पुट करो जल्दी से एच का वैल्यू क्या है यार ओके वी okay. का वैल्यू कितना है Uh, ये एट पॉइंट फाइव सेवन मत लो सिक्सटी बाय सेवन लो रेशो लो सिक्सटी बाय सेवन डिवाइडेड बाय यू का वैल्यू कितना है ट्वेंटी ओके ठीक है कैलकुलेट करो दैट वुड बी सिक्सटी बाय ट्वेंटी इंटू सेवन इंटू फाइव प्लीज़ कैलकुलेट ट्वेंटी वन ज ट्वेंटी थ्री जी फाइव जो फिफ्टीन एच डैश इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन बाय सेवन तो माइनस टू पॉइंट समथिंग एक बार चेक कर लो अच्छा यू का वैल्यू हमने निगेटिव नहीं लिया क्या सो सॉरी यार एक काम करो यार इधर यू का वैल्यू मैंने निगेटिव नहीं लिया ओके माइनस माइनस प्लस आएगा ओके ठीक सो टू पॉइंट एक बचा ना टेन सेवन वन सेवन थ्री थर्टी सेवन फोर जो प्लस टू पॉइंट वन फोर सेंटीमीटर काइंडली प्लीज चेक इतना खाली ध्यान में रखें यू का वैल्यू आपको निगेटिव लेना है मतलब खुद की साइन तो है ही है उसको लेकिन एक नया नेगेटिव साइन भी ले लो यू का आंसर शुड बी प्लस चलिए सो वट वी हैव इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज सेवन सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ अठारह अच्छा ठीक है तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है आपके प्लस सेवन अ uh, 27 सेंटीमीटर पे रखा गया है मतलब u is equal to minus -27 फोकल लेंथ कितना बोला है 18 ये कॉनकेव है गुफा बोले तो नेगेटिव -18 क्या-क्या चाहिए एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड स्क्रीन कहाँ रखें आपके इमेज के लिए स्क्रीन मतलब वही वो v के बारे में पूछ रहे हैं v v के बारे में पूछ रहे हैं एंड साइज एंड नेचर अच्छा ठीक है v निकालो भाई इसके ऊपर से सो वन बाय वी सॉरी वन बाय एफ इज इक्वल टू ये मिरर है कि लेंस है मिरर है हाँ ओके ठीक है सो so मिरर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वन बाई वी प्लस वन बाई यू सो वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन बाई यू फोकल लेंथ आपका नेगेटिव है माइनस वन बाय अठारह प्लस यू का वैल्यू कितना है सत्ताईस ओके काम करो एलसीएम ले लो एलसीएम लेते हैं कि क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लो ना तो जान दो क्या फर्क पड़ता है ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस ओके सत्ताईस में से अठारह तो कितना बस्त है नौ ओकेटीन इन टू ट्वेंटी सेवन डिवाइड कर लो नाइन वन जा नाइन टू जो दैट शुड बी माइनस वन बाय टू सेवन जै फोर्टीन वन कैरी टू टू जोर एंड फाइव फिफ्टी फोर ओके माइनस फिफ्टी फोर सेंटीमीटर्स

तो साइज के लिए क्या करें? साइज के लिए तो हमको वो निकालना पड़ेगा ना फॉर्मूला एच डैश इज इक्वल्स टू माइनस वी बायू वैल्यू पुट करो एच डैशल फिफ्टी फोर ओके ठीक है माइनस फिफ्टी फोर और यू का वैल्यू कितना है आपके माइनस ट्वेंटी सेवन इन टू हाइट कितनी है आपकी ऑब्जेक्ट की सात माइनस माइनस प्लस रहेंगे लेकिन एक माइनस रहेगा जरूर ओके ठीक है तो एच डैश इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी फोर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन चलिए सो इसका कैलकुलेशन कर लेता है कि, किससे किससे डिवाइड करेंगे नाइन से कर लो नाइन सिक्स ज फिफ्टी फोर नाइन थ्री जी ट्वेंटी सेवन थ्री वन थ्री टू जो अगर ट्वेंटी सेवन के इसमें था ना वो और फिर टू सेवन 14 माइनस फोर्टीन सेंटीमीटर काइंडली प्लीज चेक आपका भी हाइट सेम आ रहा है सेंटीमीटर। चलिए इसपे से मुझे इमेज का नेचर बता सकते हो तुम्हारा एच डैश अगर एच डैश अगर आया, मतलब वो इमेज उल्टी है एच डैश निगेटिव कब आता है जब आपकी इमेज उल्टी हो ना देखो अगर आपका इमेज ऐसा हो तो यहाँ पर एच आपका पॉजिटिव आता है इमेज अगर उल्टी हो तो एच निगेटिव आता है निगेटिव अगर है तो दैट मींस इट इज इन्वर्टेड उल्टी अगर इमेज है मतलब इन्वर्टेड और इन्वर्टेड के साथ कौन आता है रियल आता है ओके okay, तो रियल आता होगा यहां पर क्या आएगा वर्चुअल इरेक्ट यहां पे रियल इन्वर्टेड ओके मतलब इमेज टाइप इज रियल इन्वर्टेड इज इट ओके आपको भी मिला है चलिए रियल इन्वर्टेड और साइज बड़ी है कि छोटी है बाय द वे मैग्निफाइड है कि डिमिनिस्ट है कि सेम है आपकी पहली सात थी अभी चौदह है पहले सात थी आपकी अभी चौदह है सो मैग्निफाइड सेम डिमिनिस्ट क्या लगता magnified, magnified, है मैग्निफाइड मैग्निफाइड बड़ी इमेज है चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन

तो that would be minus point five. अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर किस में आएगा आपको यहाँ पर ये मीटर में लेना पड़ता है आपको ये मीटर में लेना पड़ता है में लेना पड़ता है तो दैट मींस यहाँ पर ये मीटर में आएगा। नाउ इफ यू वॉन्ट इट टू कन्वर्ट टू सेंटीमीटर यू कैन वो आपके ऊपर है अगर आपको करना है तो भी मार्क्स मिलेंगे नहीं किया तो भी मार्क्स मिलेंगे टेंशन मत लो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है हंड्रेड से ठीक okay, है पॉइंट फाइव टू हंड्रेड मतलब कितना हो जाएगा फिफ्टी ओके okay, तो माइनस फिफ्टी सेंटीमीटर दोनों को मार्क मिलेगा ठीक है एक तो माइनस पॉइंट फाइव मीटर लिखो ना तो सेंटीमीटर लिखो लेकिन ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है अगर आपने यूनिट नहीं लिखा एग्जाम में आपके मार्क कट किए जाएंगे विद uh, प्रेजिस मतलब आप ऐसा मत सोचो कि भाई यूनिट नहीं लिखा तो मार्क मिल जाएंगे ऐसा नहीं है यू योर यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में सो पॉइंट माइनस पॉइंट फाइव मीटर्स या फिर फिफ्टी सेंटी दोनों को मार्क मिलेंगे लेंस का टाइप बताओ यार कौन सा लेंस है जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव है कौन सा लेंस रहता है जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव आता है इट्स इज सो सिंपल कॉनकेव कॉनकेव अच्छा तो कॉनकेव लेंस है कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है डाइवर्जिंग है कि कॉन्वर्जिंग लेंस है ये कॉनकेव लेंस मतलब कौन सा रहता है कॉन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस

चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन ने किसी पेशेंट को लेंस बताया है का करने के लिए, right? अब वो बोल रहे हैं फाइंड लेंथ ऑफ लेंथ फाइंड आउट करो इसके ऊपर से निकाल सकते हैं हम लोग फोकल लेंथ पी इज इक्वल टू वन बाय एफ तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा वन बाय पी वन बाय पी मतलब प्लस वन पॉइंट फाइव ओके पॉइंट को कैंसिल करके ऊपर नंबर बढ़ा दो ओके, okay, ओके, जा, जा. Okay, तो मतलब कितना हो रहा है वो? मतलब मीटर में मीटर में। करेक्ट ओके सो अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स सेवन लेट्स मीटर्स और सेंटीमीटर्स में 67, 67. So, Uh, ये एक समझ लो फर्क uh, ये रहता है तुम्हारा इक्वल इक्वल टू का साइन और ये रहता है उसको अगर तुमने uh, ट्विस्ट कर दिए तो उसको बोलते हैं सपोज अप्रोक्सिमेटली अप्रोक्सिमेटली मतलब किसी बच्चे ने अगर एक्स का आंसर लिखा सपोज ट्वेंटी फाइव तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू पच्चीस है अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिखा ट्वेंटी फाइव इसका मतलब है यहां पर अप्रोक्सिमेटली आंसर है ठीक है आप ये जो सिंबॉल है आप मैथ्स में भी यूज कर सकते हैं सो प्लीज रिमेंबर

मतलब ऐसे वक्त क्या करने का तुमको पहले तुम देखो तुम्हारा फोकल लेंथ पॉजिटिव है है उसके हिसाब से पहले लेंस का नाम बताओ फिर तुम देखो डाइवर्जिंग है कि कॉन्वर्जिंग डायरेक्टली बताने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में आदत नहीं रहती ना तो इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई कॉन्वर्जिंग डायवर्जिंग है डायरेक्टली तो आप पहले देखो पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स फिर सोचो कॉन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है ओके सो दैट्स दैट्स इट आंसर ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं लेट मी जस्ट टेल यू देखो आ, हमारे पास आ, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे ठीक है वन मिनट अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है देखो आ, दिस इज फॉर प्लस ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है ये प्लस का है ये साइड और ये आइकॉनिक का है मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन का प्लस के रेट्स क्लास नाइन के, के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास के आइकॉनिक के रेट ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है इट समथिंग लाइक दिस अब जितना बड़ा लोगे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तेरह महीने का कितना आ रहा है सपोज सपोलेट से छह महीने का आपको दस पड़ रहा है रेट बारह महीने का देख लो कितना आ रहा है

Uh, if you apply for 48 uh, वैसे ही आइकॉनिक अगर आप फोर्टी एट मंथ का लेना चाहते हो तो फोर्टी एट मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है एटी थ्री थाउजेंड अब एटी थ्री थाउजेंड इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपेरिजन में क्योंकि इसके फीचर्स वैसे है ना आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है इंडिविजुअल सपोर्ट है थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट है सो बिकॉज ऑफ दट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेटी इधर यू कैन गो फॉर फोर्टी एट मंथ फर्टी थाउंट या फिर फोर्टी एट मंथ्स ऑफ एटी थ्री थाउजेंड आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर फोर्टी एट मंथ प्लस और इधर फोर्टी एट मंथ्स ऑफ आइकॉनिक तो फोर्टी थाउजेंड या फिर थाउजेंड अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं आप छत्तीस महीने का ले सकते हैं छत्तीस मतलब तीन साल हो जाते हैं दैट इज इलेवन ट छत्तीस महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज थर्टी टू थाउजेंड कितना है छत्तीस so so महीने का दसवीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है दैट इज थर्टी टू थाउजेंड एंड अगर छत्तीस महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं तो दैट इज सिक्स थाउजेंड सो दोनों में से एक सबोल प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा से ये जो दोनों प्लान है ना प्लस उसके लिए क्या करना पड़ता है ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है अब कौन सा कोड तो आप कोड का आप ये कोड ध्यान में रखना दैट इज एस लाइफ टेन अजिंक्य सोड़ों के एल आई वीई वन जीरो अब ये कोड पे लिखना है आपको देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए राइट मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया ठीक है आइकॉनिक ले लिया और फोर्टी एट मंथ ले रहे हो तो फोर्टी एट मंथ्स को आपको क्या करना है आइकॉनिक लेना नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा ठीक है मतलब डू हैव अ कोड वगैरह पूछा आपको इसको टैप करना है सबसे पहले आइकॉनिक को कर लिया दैट इज फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप क्या है इस कोड को आप ये कर लो टैप कर लो कोड के अंदर ये लिख देना है लाइफ आप कोड लिख दिए एस लाइफ टेन आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं मंथ्स का आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर वो टेन कम होकर आपको दिखाई जाएगी ठीक है तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है तो यहाँ पर कोड लिख देना है ए एस लाइफ टेन अजिंक्य सोन के एल आई वी वन जीरो ए एस एल आई वीई वन जीरो और उसमें स्पेस नहीं देना है ठीक है इट शुड बी कंटिन्यूस ए एस एल आई वीई वन जीरो कंटिन्यूएशन में लिखना है आप ये कोड पे टैप कर दो ये कोड लिख दो आप उसको डन कर दो तो इमीडिएटली आपका टेन परसेंट कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी फिर आप प्लान को ले लो फोर्टी एट मंथ को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स है मतलब लाइक like पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट uh, में कर सकते हो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ई की जैसे तो uh, आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं ठीक है सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देर अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं दैट्स अप टू यू

ठीक है तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके राइट सो so, वीडियो को लाइक करना है चैनल सब्सक्राइब करना है बेल आइकन जरूर दबाना है उतना तो काम कर ही देना ठीक है चलिए देन ओके तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड दिस इज अवर बेसिक प्लान

तो आपके ऊपर है राइट दिस इज वन ऑफ अर बेसिक प्लांट एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट तो दिस इज थ्री डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से एक मिनट भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी प्लस so, में क्या क्या फीचर मिलेंगे देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ मैथ्स के लिए ये ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज सपोज से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना कोई जरूरत नहीं है हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे सेकेंड दैट वी हैव लाइव क्लासेस मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे तो जिसकी वजह से आप आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है आपको नहीं आ रही है तो यू कैन लेट से आप इंटरैक्ट uh, कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूअर लेट से जो भी प्रॉब्लम है कोई टॉपिक्स है समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरलीट से uh, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विदेस से दीचर्स द्लस सब्सक्रिप्शन अब बात करते हैं live and quizzes. देखो कैसा है ना पढ़ाने का तरीका अलग होता है देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स है मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर आई एम सींग एजुकेटर्स क्यों इसका फायदा क्या है देखो कैसा होता है जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है राइट साइंस के लिए एक टीचर मैथ्स के लिए एक टीचर तो इसमें वैसा नहीं है इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे so मतलब like, you know, हो सकता है मतलब दैट फैसिलिटी देर क्योंकि हर एक का टीचिंग अच्छा, मेथडोलॉजी मतलब like, you know, अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके राइट नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का वो देख They try their best to teach like in their own way. लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो मतलब एक मेथड क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक अदर टीचर की हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का इट माइट है तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स है मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स है अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग

Uh, अब पढ़ाई जब हो जाती है मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसके टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है सो दैट्स अ प्रॉब्लम सो वी हैव लाइव टेस्ट लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है हमारे पास क्विजेस भी हैं मतलब लाइक एक कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ

किसको से uh, जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है सपोज उसमें uh, कौन से टॉपिक uh, के ऊपर है कौन से टाइम पे है कितने क्वेश्चंस है कौन सा लेसन है सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं आप जितने आपके हिसाब से इट्स नॉट कम्पल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ दम क्विज लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं नाउ लेटस गो फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ इसके लिए जाते हैं देखो स्ट्रक्चर्ड एंड का फायदा क्या है कि आपको आ, मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक तो वो कैसा रहेगा स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टन सिलेबस एक पर्टन ले पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं ऐसा नहीं है इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है आपको पढ़ाया जाता है तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस हैं ये पूरे एंड ऑल्सो यू गेट द दीडीएफ आपको इसके पीडीएफ भी मिलते हैं दैट इज अनदर फायदा इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं तो नीचे सपोल इट से पीडीएफ का ऑप्शन है तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पी आपको मिल जाएगी दैट दैट बी एन इशू तो ये है आ, प्लस के फीचर्स राइट right? ये प्लस के फीचर्स है तो एंड अबाउट आइकॉनिक आइकॉनिक के फीचर्स क्या है देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में मेउ ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही हैं लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा सबसे पहला क्या पर्सनल मेंटर आपको एक मेटोर असाइन किया जाता है अब पर्सनल मेटॉर्क का फायदा क्या है देखो कैसा होता है ना मेन टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो आ, मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता राइट right? मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द योर क्लास एक पूरा जो, पूरा जो आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कोई भी चाहिए नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोरिक चाहिए राइट इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर राइट दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट एडवाटेजर अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं सब सब सबलेट से सॉल्व हो जाएंगे अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन अब इसका क्या मतलब होता है देखो लाइव डाउट सोल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा आपके टीचर रहेंगे आप रहेंगे और से आप उनको पूछ सकते हैं। मतलब का मतलब ऐसा नहीं रहता, कि रहता है, का मतलब ये रहता है कि आप एक क्वेश्चन भेजेंगे आंसर तो मिलेगा मे बी थ्री मे बी लेट से उस दिन में या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे ऐसा कुछ लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये ये डाउट है सबोलेट से सॉल्व कर लो तो ये वाला जो सेशन uh, है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है ठीक है एक पर्टिकुलर टाइम आप उसके अंदर आ, आपके टीचर uh, को आप सपोज से डाउट पूछ सकते हैं ठीक है एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर लाइक डेडिकेटेड आवर्स एक डेडिकेटेड टाइम उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम अब ये क्या रहता है देखो पेरेंट करने प्रोग्राम में वॉट यू डू इज़ यू आपके जो पेरेंट्स है आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं अगर कोई इश्यूज हैं कुछ प्रॉब्लम्स है आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व से उनको भी एक ट्रैक करने का एक से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई uh, उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं will help them to keep track on you मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह next thing is about study planners now study planners तो काफी इंपोर्टेंट है देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इट्स इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे राइट तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली नीडेड मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है आप सबसे ऐसा कर ही नहीं सकते कि बिना प्लान के आप कर रहे तो मतलब किए exactly जाते हैं okay. आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स विच इज विच इज अकॉर्डिंग टू मी ग्रेटेस्ट एसेट यू कैन हैव इन योर एंटायर प्रिपरेशन बिकॉज वन थिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन सिलेबस इज कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है सो इफ दैट इज अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक यू नो दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड टू दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर राइट right? की स्टडी प्लान सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एन आइकॉनिक नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं राइट right? प्लस uh, के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं ओके सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट

स्कॉलरशिप टेस्ट और ये इंडिया का सबसे बड़ा मतलब kind of स्कॉलरशिप टेस्ट है एग्जाम तो फ्री में देना है और अगर आप say, <coughs> कुछ आप रैंक में आते हैं तो आपको बढ़िया बढ़िया से प्राइजेस मिलने वाले तो विल we'll सी कि इसमें क्या क्या है सबसे पहला दिस इज द इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन एंड क्लास टेंथ दोनों क्लासेस uh, के लिए है क्लास नाइन्थ ऑल्सो क्लास टेंथ ऑल्सो एंड देर इज अ फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर दस इसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है आप आराम से फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसके लिए इसका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन के लिए वो uh, नीचे दिया गया है मतलब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहां से uh, इसको देख सकते हैं सपोज ये रजिस्ट्रेशन uh, लिंक हो उसको क्लिक करें अगर वो आपको कोड पूछता है फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन इज फ्री लेकिन अगर आपको कोड पूछता है कि रजिस्ट्रेशन का कोड बताइए तो यू कैन यूज दिस कोड दस लाइफ टाइम आप इसका इस्तेमाल करें और एनरोल करके एग्जाम दें तो एनरोलमेंट का आई है ए एस एल आई वीई वन जीरो ठीक है ये यूज कर लें रजिस्ट्रेशन करवा लें और आपका जो प्रिपरेशन है लेट से मस्त कर लें और डेट्स में बता देता हूँ तो ये जो टेस्ट है ये इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है रजिस्ट्रेशन की लिंक कहाँ है

तो students, students, Sunday. Sunday तो रजिस्ट्रेशन दे कर करवा देना उसके लिए कोड है एग्जाम का टाइमिंग ध्यान में रखना क्लास टेन का ग्यारह बजे है एंड क्लास नाइन का बारह बजे है और उसके प्राइजेस देख लो रिवॉर्ड अगर आप जीतते हैं सपोलट से कुछ रैंक आती है आपकी तो आपको क्या क्या मिल सकता है अगर आप रैंक वन टू थ्री में है अगर आप टॉप में आ जाते हैं, तो आपको एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा क्लास 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 या फिर क्लास का। का जो भी का आपने एग्जाम दिया है उसके हिसाब तो आपको सेवेंटी फाइव परसेंट स्कॉलरशिप दी जाएगी अगर आप इलेवन टू फिफ्टी के रैंक में आते हैं तो आपको दी जाएगी। अगर आप फिफ्टी वन टू वन फिफ्टी क्लास uh, नाइन के लिए रैंकिंग की जो लिमिट है दैट इज टू और क्लास टेंथ के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं इसलिए फिफ्टी वन टू थ्री हंड्रेड रैंक रखा गया है uh, तो वहां तक के बच्चों के लिए ट्वेंटी स्कॉलरशिप दी जाएगी तो ये प्लीज ध्यान में रखें रैंक वन टू थर्ड के लिए एक साल का सब्सक्रिप्शन नाइन का टेंथ का फोर टू टेन की अगर रैंक आती है तो आपको सेवेंटी टू परसेंट आती है तो फिफ्टी स्कॉलरशिप है रैंक फिफ्टी टू वन आता है तो क्लास नाइन की आपको uh,

तो मे थर्टी को तो जल्दी से एनरोल कर लो इसको बाय यूजिंग द लिंक व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस कोड का इस्तेमाल करें फॉर द रजिस्ट्रेशन थैंक यू सो मच ओके सो क्लास नाइन्थ के लिए एक नई बैच शुरू हो रही है जिसका नाम है टैगोर बैच ठीक है टैगोर बैच में वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंग्लिश हिंदी संस्कृत एंड कंप्यूटर साइंस तो ये बैच कब शुरू होगी दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी फोर्थ में एंड इट इज गोइंग टू एंड बाई थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगी ये वाली बैच ठीक है सो so, इसके अंदर लेटेस्ट सी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन से कौन से कौन कौन पढ़ा रहा है सो इट्स इट्स समथिंग लाइक दिस की इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय वृद्धि दोषी एंड दैट विल बी फ्रॉम मंडे वेनजडे फ्राइडे सिक्स फिफ्टीन टू सेवन फिफ्टीन देन भावना शर्मा वुड बी टीचिंग संस्कृत दैट इज ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे साढ़े नौ से साढ़े दस तक रात को देन कृतिका सिंगला टीचिंग कंप्यूटर साइंस दैट विल ऑन मंडे वेनजे फ्राइडे एंड दैट इज फ्रॉम सेवन थर्टी टू एट थर्टी एंड भावना शर्मा वुड बी टीचिंग हिंदी एंड दट इज ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे थ्री थर्टी टू फोर थर्टी तो वृद्धि मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगे भावना मैडम संस्कृत पढ़ाएंगे कृतिका मैडम कंप्यूटर पढ़ाएंगे भावना मैडम फिर से हिंदी पढ़ाएंगे सो so, ये डू एनरोल लेट्स

अभी यहाँ पर एक बार ठीक से देख लो इंग्लिश मैडम बाई वंदना इंग्लिश वंदना मैडम देन संस्कृत बाय आराधना मैडम एंड कंप्यूटर साइंस बाय कृतिका कृतिका मैडम अभी इसमें जो टाइमिंग्स है इंग्लिश के वो है ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे सिक्स फिफ्टीन टू सेवन फिफ्टीन ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे फॉर संस्कृत दैट इज फ्रॉम फोर टू फाइव मंडे वेनसडे फ्राइडे फ्रॉम फाइव टू सिक्सिंग जरूर फायदा उठाओ ये आप ही के लिए बनाई गई है so ताकि आपका जो इंटायर प्रिपरेशन है आप क्लास नाइन्थ में रहो कि क्लास टेंथ में रहो ये एजुकेटर्स दे विल टेक केयर ऑफ इट की आपका सिलेबस प्रॉपरली कवर हो रहा है तो प्लीज डू अप्लाई फॉर दीज बैचेस और आपको ये बैचेस पूरे आपको एक्सेसिबल uh, हो जाती है व्हेन यू अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो नहीं तो आइकॉनिक ले लो बड़ा प्लान ले लो टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ और मस्त बैठ के घर पे आप पढ़ाई कर सकते हैं आपको खाली इंटरनेट चाहिए और आपका डिवाइस चाहिए इंटरनेट या फिर एनी डिवाइस आप पीसी से भी कर सकते हैं डेस्कटॉप से लैपटॉप से टैबलेट से मोबाइल से आप कोई भी डिवाइस से कर सकते हैं ऑल यू रिक्वायर डिवाइस एंड लेट्स वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन बस आपका फिर पढ़ाई एकदम मस्त हो जाएगा ऑन दी प्लेटफॉर्म दैट इज एन एकेडमी सो थैंक यू ओके okay. तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दू कि वेन एवर लेट से यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन एन एकेडमी आप आप से वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर से यू आर गोइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म लेकिन सभी हमारे जो आ, ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर टेन परसेंट डिस्काउंट अवेलेबल है ठीक है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस टेन परसेंट डिस्काउंट जरूर ले लें बिकॉज ये कैसा है ना आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा नाउ फॉर टेन परसेंट ऑफ टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है ये दोनों पे अवेलेबल है दिस इज अवेलेबल ऑन एन एकेडमी प्लस ऑल्सो एंड दिस इज अवेलेबल ऑन एकेडमी आइकोनिक्सक्रिप्शन ऑल्सो ऑल यू टू

मतलब लाइक यू नो टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली मतलब आपने कोड लिखा ना इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है चार्जेस हैं वो टेन परसेंट कट करके आपको दिया जाएगा टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ फिर आप पेमेंट कर सकते हैं ठीक है सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर आपको क्या करना है सिर्फ एस लाइव टेन कोड का इस्तेमाल करना है कंटिन्यूशन में लिखना है नो स्पेस विध स्पेस वगैरह नहीं देना है मतलब ए स्पेस एस स्पेस ऐसा नहीं कंटिन्यूएशन में ए एस एल आई वी वन लिखना है ये कोड को और आपको टेन परसेंट डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं सस्ता बना सकते हैं ओके नाउ नाउ अनदर इज कि देखो यू कैन डाउनलोड दी ऐप आपको खाली क्या करना है है आप गूगल अगर आपका सिस्टम तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका एप्पल वाला है आईओ आप यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन दी एप स्टोर आप एप स्टोर पे भी जा सकते हो दैट मीनस जो इसका स्टोर है एप्पल uh, का तो आप स्टोर पे जा सकते हो या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉइड ठीक है एंड्रॉइड का अगर है आपके पास और अगर एप्पल के आपके हैं तो यू कैन डाउनलोड अन एप्लीकेशन से फ्रॉम एप स्टोर सो इसके अंदर कैसा है अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग आप क्या कर सकते हो जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया तो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया राइट right? लेकिन आप एक काम कर सकते हो जस्ट टू सी द फीचर्स आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे अवलेट आप, से आपके मोबाइल uh, में तो आप उसको uh, वो आपको कोड पूछेगा मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं आपको ट्राई करने है फॉर फ्री यू कैन डू वन थिंग ए एस लाइव टेन का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले दैट इज योर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड तो आप कोड लिख दो ए एस एल आई वीई वन जीरो और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है यू कैन चेक द फीचर्स आप फीचर चेक कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट राइट ओके okay, तो इतना इतना चीज कर लो ठीक है पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है फिर उसके अंदर कोड लिखना है एस लाइव टेन और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से कौन से फीचर्स हैं आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में